हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ये यूनिट फर्स्ट के लिए हमारा पार्ट थर्ड है। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। हमारा क्वेश्चन है, लीव्स डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द डे एक्सेप्ट मैन्युफैक्चर प्लांट फूड, यस, गिव ब्यूटी, यस, नेक्स्ट है गिव ऑफ ऑक्सीजन, सो यस, गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमें यही पूछा है एक्सेप्ट। हमारा आंसर जो है वो होगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए कॉमन टर्म व्हेन रेफरिंग टू कॉनिफेरस ट्रीज। यहाँ पे दी गई हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि सॉफ्ट वुड, एवरग्रीन, हार्ड वुड, पाइन्स। जो कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं वो सॉफ्ट वुड वाले ट्रीज़ होते हैं, और इसके साथ ही वो एवरग्रीन होते हैं, और पाइन एग्जांपल है कॉनिफेरस ट्री का। हमें यहाँ पे पूछा है नॉट ए कॉमन टर्म, हमारा आंसर होगा हार्ड वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसीड्यूस ट्री आर नॉट रेफर्ड टू एज, ब्रॉडलीफ्ड, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, ऑल ऑफ द अबव। वो ब्रॉडलीफ्ड ट्री होते हैं और हार्ड वुड वाले ट्री होते हैं, हमें यहाँ भी बताना है नॉट रेफर्ड एज, हमारा आंसर होगा सॉफ्ट वुड। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्रुप ऑफ कॉनिफेरस हैज इट्स नीडल्स इन ए क्लस्टर ऑफ फ्रॉम 2 to 5। हमारा आंसर होगा पाइन्स। इस तरीके से क्लस्टर फॉर्म में मिलता है पाइन ट्री। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ट्री लीव्स आर लीस्ट लाइकली टू टर्न रेड इन फॉल। यहाँ लीस्ट लाइकली पूछा है, हमारा आंसर होगा जो सुगर मैपल का ट्री होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू टर्मिनल ग्रोथ ऑन पाइन्स इज़ कॉल्ड। जो न्यू ग्रोथ होती है यहाँ पाइन्स पे उसको कैंडल्स कहा जाता है। जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर डेप्थ टू प्लांट सीडलिंग इज, द सेम डेप्थ एज देवर इन द नर्सरी, स्लाइटली डीपर दैन देवर इन द नर्सरी, स्लाइटली शेलोअर दैन देवर इन द नर्सरी, और 12 inches। हमारा आंसर होगा द सेम डेप्थ एज देवर इन द नर्सरी, क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया था कि जिस तरीके से वो कंटेनर में होते हैं उसी तरीके से सेम हमें उन्हें प्लांट करना होता है ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसल एरिया ऑफ ए वुड लॉट रिप्रेजेंट, जो बसल एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेंड डेंसिटी को। जो हमारा आंसर है वो होगा सी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि When referring to trees as tolerant or intolerant, a tolerant species is one that will withstand. आंसर होगा सी है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्री स्प्राउट्स अराइजिंग फ्रॉम द रूट इज कॉल्ड ए, ये कहलाएगा सकर, और रूट सकर्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्री होता है उसकी रूट से जो प्लांट हैं वो अराइज करते हैं उनको रूट सकर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोदर टर्म फॉर द ट्रंक ऑफ ए ट्री इज़, इसको बॉल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीव्स एंड ब्रांच ऑफ ए ट्री आर रेफर्ड टू एज ऑफ द ट्री। आपने मैंगो का ट्री देखा होगा, मैंगीफेरा इंडिका, उसका जो क्राउन होता है वो स्फेरिकल होता है इस तरीके से गोल ऊपर से।
सो ये ही क्राउन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर क्राउडिंग रिड्यूस ऑफ द ट्री। सो अगर बहुत सारे पेड़ एक साथ होंगे तो यहाँ पे वो क्या रिड्यूस करेंगे? स्टैंड डेंसिटी, हाइट, वीडिंग एंड डायमीटर। सो अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो जो पेड़ है उसको हॉरिजॉन्टली फैलने के लिए उसको यहाँ स्पेस नहीं मिल पाएगा। सो उसका जो डायमीटर है वो यहाँ पे प्रभावित होगा। सो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी। सो जो ओवर क्राउडिंग है वो रिड्यूस कर देगी यहाँ पे डायमीटर की ग्रोथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म इज़ डिफाइंड एज द रिप्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट टू ऑब्टेन कंटिन्यूस हाई यील्ड्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। सो हमने देखा कि सिल्वी कल्चर की जो प्रोसेस होती है उसको हम यहाँ यूज़ में लेते हैं ताकि हमें हाई यील्ड प्राप्त हो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की। सो इसके जो लेक्चर्स हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वुड बी द चीपेस्ट वे टू बाई सीडलिंग। सो यहाँ पे बेयर रूट जो है वो चीपेस्ट वे है यहाँ पे सीडलिंग को बाई करने का। कंटेनर ग्रोन फ्रॉम ए गार्डन सेंटर रूट ट्रेनर। सो ये चीपेस्ट नहीं है, इनकी तुलना में जो बेयर रूट मेथड है वो यहाँ पे चीपेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू प्लांट सीडलिंग इज। सो ये होगा अर्ली स्प्रिंग का टाइम। सो हमारा आंसर है यहाँ पे ए, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर सीडलिंग डेथ इज। सो यहाँ पे पुअर सीडलिंग स्टॉक, रूट्स हैव ड्राइड आउट बिफोर प्लांटिंग, डिजीज, इंसेक्ट्स। सो रूट्स हैं वो पहले ही ड्राई हो जाती हैं प्लांटिंग से पहले, इसलिए फिर ये ग्रो नहीं कर पाती हैं। सो ये कॉमन कॉज है सीडलिंग डेथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेरी प्लांटिंग ऑफ सेवरल ट्रीज इन अ लॉन्ग नैरो रोज इज कॉल्ड। सो यहाँ पे टेम्परेरी प्लांटिंग की जाती है, जो ट्रीज़ होते हैं उनको एक रो में यहाँ लगा दिया जाता है। सो इसको हीलिंग इनकी प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोदर नेम फॉर द हैंड प्लांटिंग बार इज़ द। सो इसका अनोदर नेम है डिबल। सो हमारा आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोजनेस ऑफ द ट्री टॉप्स इज कॉल्ड। सो जो ट्री टॉप्स होते हैं वो क्राउन कहलाते हैं, और अगर वो क्लोज होंगे तो इसको क्राउन डेंसिटी कहा जाएगा। सो जो हमारा आंसर है वो है सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर द कंटिन्यूड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। सो जो ये मैनेजमेंट की प्रोसेस है यही फॉरेस्ट्री कहलाती है। सो जो हमारा आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड केयरिंग फॉर ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड। सो इस प्रोसेस को कहते हैं सिल्वी कल्चर। सो बी हमारा आंसर है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले जो हमने वीडियोस करे थे उनमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग दैट रिमूव्स ऑल ऑफ द ट्रीज इन द स्टैंड इज कॉल्ड। सो यहाँ जो क्लियर कटिंग का मेथड है उसमें सारे ट्रीज को रिमूव किया जाता है। सो हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कटिंग विच रिमूव्स ट्रीज ऑफ पुअर क्वालिटी, अनडिजायरेबल स्पीसीज और दोज इन पुअर कंडीशन इज कॉल्ड। सो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कटिंग की जाती है। सो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूवमेंट कटिंग। इसमें यहाँ पे पुअर क्वालिटी के जो ट्रीज़ हैं उनको रिमूव कर देते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट कर सकें हम जो डिज़ायर्ड क्वालिटी है उसमें। नेक्स्ट है, कटिंग ऑफ ब्रंट और डैमेज ट्रीज़ बिफोर दे बिकम कम्प्लीटली वर्थलेस इज कॉल्ड।
सो यहाँ कम्प्लीटली वर्थलेस होने से पहले ही उनको बर्न कर दिया जाता है डैमेज ट्री को। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।